What's up guys, this is Vishal Singh and welcome back to my channel. So guys, आज हम बात करेंगे Jawa motorcycles के बारे में. Guys, confused मत हो, आप बिल्कुल सही चैनल पे हो. This is a vlogging channel, not a automobile channel. This bike के बारे में हम बात कर रहे हैं. This is not an ordinary bike. It's 60s, 70s में India's के top bikes में से. So I feel इसके बारे में वीडियो बनाना तो बनता है guys. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइस. जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस, वीडियोस को सच में रिस्पांस मिल रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस मैं इतने वीडियोस बना पा रहा हूँ. लाइक सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. Jawa 300 की बात करें तो ये 293 सीसी की बाइक है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 27 एचपी का मिलता है जो मैक्सिमम टॉर्क 28 एनएम प्रोड्यूस करती है. Which is better than Royal Enfield Classic. ये one cylinder bike है जो 6 gear option के साथ आती है. Fuel tank capacity 14 liters की मिलती है. अगर हम bike की look की बात करें तो company ने इसे काफी retro look के साथ market को लाया है. इसमें chrome का काफी use किया गया है जो bike को काफी retro and classic look देता है. ये bike आपको 1,64,000 Delhi ex showroom cost करती है. अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी bike की जो इन bikeों में सबसे ज्यादा affordable bike भी है. And that is Jawa 42. इस बाइक में सेम 293cc का इंजन यूज किया गया है जो आपको 27 HP की पावर और 28 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये बाइक भी आपको वन सिलेंडर एंड 6 गियर ऑप्शन के साथ मिलती है. बाइक की ओवरऑल स्पेक सेम है Jawa 300 की तरह, पर जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो डिजाइन में देखने को मिलेगा. जहाँ Jawa 300 में क्रोम का काफी यूज किया गया है वहीं Jawa 42 में आपको इतना क्रोम वर्क देखने को नहीं मिलेगा. ये बाइक आपको काफी हद तक रॉयल एनफील्ड क्लासिक की याद दिलाएगी. इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है 1,55,000. एंड नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, Jawa पैरा. आई होप आई प्रोनाउंस करेक्टली. मुझे ये बाइक सबसे ज्यादा आई कैचिंग लगी. इसका बॉबल टाइप स्टाइल सब लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इसके स्पेक्स की बात की जाए तो ये बाइक 334cc इंजन का साथ 30 BHP की पावर और 31 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. ये बाइक आपको वन सिलेंडर विद 6 गियर ऑप्शन के साथ मिलती है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो वो गाइस सेम है 14 लीटर टैंक. गाइस तीनों ही बाइक बहुत अच्छी लग रही है एंड ऑल इनपुट को एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है. सो गाइस Jawa तीन बाइक्स लेके इंडियन मार्केट में आया है. दैट इज Jawa 300, Jawa 42 एंड द पराक द बॉबर स्टाइल बाइक. गाइस इन बाइक्स की डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है रॉयल इनफील्ड के साथ बिकॉज सेम प्राइस रेंज में Jawa ने बाइक्स लॉन्च करी है जो कि हमारे रॉयल इनफील्ड की प्राइस रेंज है. सो कंपटीशन अच्छा होने वाला है गाइस बिकॉज जो Jawa की बाइक्स हैं बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में. प्रैक्टिकली देखें रॉयल इनफील्ड एक ट्रस्टेड ब्रांड है, वी ऑल नो दैट. एंड Jawa को शायद अभी हम लोगों को अभी इस जनरेशन में Jawa की बाइक्स को लोग इतना नहीं जानते, बट यस Jawa 60s-70s के टाइम पे Jawa का काफ़ी बड़ा नाम था गाइस. सो Jawa का भी बहुत अच्छा गुडविल है गाइस. सीरियसली जिन लोगों ने यूज़ किया है उन लोगों के रिव्यूज़ आप देखेंगे, उन लोगों के रिव्यूज़ आप कभी पूछेंगे तो दे विल टेल यू कि Jawa की बाइक्स किस स्टैंडर्ड की हुआ करती थी. एक सिर्फ एक कंसर्न मुझे लग रहा है दैट द आफ्टर सेल सर्विस. Jawa अभी इंडिया में लॉन्च दोबारा से वापस आ रहा है तो Jawa किस तरह से अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज बेटर करता है वो अभी हमें आगे पता चलेगा. एंड विल होप कि Jawa एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ मार्केट में उतरे एंड एक अच्छा कंपटीशन दे और एक अच्छा और एक हेल्दी कंपटीशन हो जिसका हम यूजर्स को भी फायदा मिले. एंड जितने भी बाइक लवर्स हैं आई मस्ट टेल यू गाइस डू चेक आउट दिस बाइक. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन एंजॉय योरसेल्फ गाइस, बाय.